संसद के शीतकालीन सत्र की आज से हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में सार्थक चर्चा और सत्र परिणामकारी रहने की जताई उम्मीद। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कल देश भर में आयोजित होंगे विशेष कार्यक्रम। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा, पूरे वर्ष हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के तहत कार्यक्रमों का होगा आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार के जाट महाविद्यालय की 100वीं वर्षगांठ विशेष छाजोराम की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। और प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों की बनाई जा रही है अपार आईडी। शैक्षणिक पहचान को डिजिटल रूप में करेगी संगठित। आईडी की मदद से विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं का आसानी से मिलेगा लाभ। नमस्कार, मैं हूँ शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, शीतकालीन सत्र में माहौल शीत रहेगा। पीएम मोदी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बिना नाम लिए कहा, जिनको देश ने नकार दिया है वो संसद को बाधित करने का काम कर रहे हैं। संसद में बेहतर चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग संसद में अपना योगदान दें। जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है, और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने शीतकालीन सत्र को कई मायनों में खास बताया, जिसमें सबसे विशेष हमारे संविधान की 75 वर्ष की यात्रा शामिल है। विशेष है, और सबसे बड़ी बात है, हमारे संविधान के 75 साल की यात्रा 75वें साल में उसका प्रवेश, ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है। 20 दिसंबर तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 अहम विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए संसद के दोनों सदनों की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रथम स्थगन के बाद 11:45 पर जैसे ही राज्यसभा की बैठक फिर शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों से अपील की कि वह सदन की बैठक सामान्य रूप से चलने दें, लेकिन शोर शराबा जारी रहने को देखते हुए उन्होंने सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सभापति जगदीप धनखड़ ने अडानी ग्रुप के खिलाफ कथित रिश्वत के आरोपों और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसदों द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। सभापति ने कहा कि ये नोटिस अध्यक्ष द्वारा इस बारे में पूर्व में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है। संसद का यह सत्र संविधान पारित किए जाने के 75वें वर्ष में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने सदस्यों से अपील की कि वे इस महत्वपूर्ण अवसर पर लोगों की भावनाओं को पूरा करने के लिए सर्वोच्च मानकों का परिचय दें।
उधर लोकसभा में प्रथम स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे संसद की बैठक जब फिर से शुरू हुई तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और अन्य सदस्यों ने एक बिजनेस घराने के खिलाफ रिश्वत के आरोपों सहित विभिन्न मुद्दों पर शोर मचाना शुरू कर दिया। इन मुद्दों में उत्तर प्रदेश के संभल में कथित हिंसा का मुद्दा भी शामिल था। शोर शराबे के बीच अध्यक्ष ने सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले लोकसभा व राज्यसभा ने दिवंगत हस्तियों व सदन के पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों सदनों की बैठक अब बुधवार को होगी। 26 नवंबर के दिन हर वर्ष देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस के संबंध में आज नई दिल्ली में प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सरकार का संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सम्मान करना कार्य पद्धति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान संविधान दिवस का महत्व बढ़ा है और संविधान लोकतंत्र की ताकत है। पहले 26 नवंबर को कानून दिवस मनाया जाता था, परंतु प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिन को संविधान दिवस मनाए जाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही बाबा साहेब से संबंधित स्थानों के विकास का कार्य भी किया गया है। तब से लेकर के संविधान का सम्मान करना और बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब का सम्मान करना, ये उनके कार्य पद्धति का हिस्सा रहे हैं। लेकिन 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उसमें लिखा रहता है कि बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती के अवसर पर सरकार ये निर्णय लेती है कि आने वाले समय में 26 नवंबर का दिन प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण निर्णय था नरेंद्र मोदी जी का। केंद्रीय न्याय मंत्री ने संविधान दिवस के अवसर पर कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा कि संविधान को अपनाए महत्वपूर्ण 75 वर्ष कल पूरे हो रहे हैं, जिसके संबंध में खास कार्यक्रम होंगे और पूरे वर्ष हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के तहत कार्यक्रम करवाए जाएंगे। ये कार्यक्रम हर जिले हर गांव तक आयोजित करके बाबा साहेब और उनकी टीम के संविधान निर्माण में योगदान के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने संविधान निर्माण में योगदान से संबंधित दो पुस्तकों का कल विमोचन होने की जानकारी भी साझा की। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, हम इसको हर जिले में ले जाएंगे, हर गांव में ले जाने का प्रयास करेंगे, हर तालुका में ले जाएंगे और वहां प्रस्तावना का पाठ होगा और संविधान के निर्माण में बाबा साहब और उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों का क्या क्या योगदान था वो हम जनता को बताएंगे। संविधान का जो ट्रांसलेशन हुआ है, इन बुक्स का भी जो है लोकार्पण होगा। दो पुस्तकें संविधान बनाने की जो प्रक्रिया कैसे रही थी और हमारा जो संविधान बनाने में जो भूमिकाएं जिन जिन की थी उनको लेकर के दो पुस्तिकाएं, उनका भी कल लोकार्पण होगा सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति जी के द्वारा। 26 नवंबर को मनाए जाने वाले संविधान दिवस को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 75 सालों में संविधान और ज्यादा सशक्त हुआ है। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस डॉक्टर साहेब अम्बेडकर को याद करने का दिन है। छब्बीस नवंबर को हमारा संविधान हमने अंगीकृत किया था और हमारे संविधान बनाते समय बाबा साहब अंबेडकर और मनुष्यों का त्याग समर्पण उनके कर्तव्य को याद करने का दिन है कि आज 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में भारत का लोकतंत्र भी सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है और वो लोकतंत्र हमें संविधान की मूल भावनाओं से मिला है।
कल संविधान दिवस मनाए जाने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आज हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान पदयात्रा का आयोजन किया गया। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में हुए इस पदयात्रा का नेतृत्व केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। इस पदयात्रा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, किरेन रिजिजू और गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। इस पदयात्रा का उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना और युवाओं को लोकतंत्र की प्रस्तावना और सिद्धांतों के बारे में जागरूक करना है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश के युवाओं के लिए संविधान के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। 10,000 से अधिक युवा आज मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान शीर्षक के नीचे पदयात्रा कर रहे हैं और प्रेम्बल का पठन भी करेंगे। मैं मानता हूँ कि देश के युवा अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाने, समझे और उसके प्रति आस्था रखे, ये बहुत आवश्यक होता है। मैं युवाओं को हार्दिक बधाई देता हूँ कि इस महत्वपूर्ण ऐसी पदयात्रा करके अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। पदयात्रा में शामिल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल व धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के संविधान को और भी ज्यादा मजबूती दी है। पूरा देश संविधान दिवस को लेकर उत्साहित है। पूरे देश को जोड़ता है और प्रधानमंत्री जी ने 10 साल से जो कार्य किया है, मैं समझता हूँ वही संविधान का संदेश है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्ष तक संविधान को भी और मजबूत किया। देश की सभी नागरिकों को संविधान के प्रति समर्पित होनी चाहिए, प्रतिबद्धता रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, सम्मान करनी चाहिए। निश्चित रूप में युवा पीढ़ी उसमें से ज्यादा जुड़े, हमारी कर्तव्य बनता है नई पीढ़ी को उसके साथ जुड़े। जो आज आप भव्यता देख रहे हो ये तो एक झांकी है, देश भर आज संविधान दिवस मना रहा है, यही हमारी उपलब्धि है। अंबाला छावनी के सनातन धर्म कॉलेज में संविधान की असल कॉपी की प्रतिलिपि मौजूद है जो कि इतिहास के पक्ष से महत्वपूर्ण है। देश में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर वर्ष 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और संविधान को बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। शुरुआती दौर में संविधान हाथों द्वारा लिखा गया था जिसमें से कुछ संविधान की कॉपियां तैयार की गई। अंबाला छावनी के सनातन धर्म कॉलेज में उस समय की कुछ कॉपियों में से एक असल कॉपी की प्रतिलिपि रखी गई है। जब संविधान लिखा गया उस समय संविधान को टेलीग्राफ के द्वारा तैयार किया गया और जिसका कॉपी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथ से तैयार की गई थी। वहीं संविधान निर्माताओं ने धार्मिक ग्रंथ में से कुछ फोटो इस संविधान की कॉपी में दर्शाई हैं और संविधान की ओरिजिनल कॉपी में संविधान निर्माताओं के हस्ताक्षर भी हैं। कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर चमनलाल ने संविधान की प्रतिलिपि के बारे में जानकारी देते हुए बताया, कॉलेज में दूर दूर से छात्र इसे देखने के लिए आते हैं। ये संविधान की वो प्रति है जिसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं है। कैलीग्राफी हमारे संविधान की यहाँ पर रखी गई है, ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी थी। लेकिन 2015 से जो है ये भारत का संविधान दिवस के रूप में मनाया गया है, तो उसके बाद से इसकी जो रेपुटेशन है या जो वैल्यू है वो ज्यादा बढ़ गई है। और भारत के संविधान में मूलतः 22 भाग थे और अभी भाग बढ़ के ज्यादा हो गए। हमारे पूरे कॉलेज के बच्चे जो है आए दिन जो है वो देखते हैं, न केवल हमारे कॉलेज के बल्कि विभिन्न पास के कॉलेज से जो है वो यहाँ पर बच्चे आते हैं। और एक बार तो हमारा जो संविधान है RKSD कॉलेज कैथल के स्टूडेंट्स भी जो है यहाँ से लेके गए थे, उन्होंने इस प्रकार का आयोजन जो है वो किया गया था। ये बहुत ही एक ओरिजिनल कॉपी है और बहुत ही एक यूनिक कॉपी हमारे पास यहाँ रखी गई है। लाइब्रेरियन डॉक्टर बलेश कुमार ने बताया कि कॉलेज में संविधान की मूल प्रतिलिपि लाइब्रेरी में मौजूद है जिसे देखकर विद्यार्थी उत्साहित होते हैं। वहीं छात्रों ने बातचीत में कहा कि संविधान की प्रतिलिपि का कॉलेज की लाइब्रेरी में मौजूद होना खास है। उन्हें शिक्षा के साथ साथ संविधान की प्रतिलिपि को देखने का मौका मिला है जिसके कारण वे उत्सुक हैं। हमारे पास ये जो भारत का संविधान है उसकी प्रतिलिपि हमारे पास है जो कि जो रेप्लिका उसको बोलते हैं, जो ओरिजिनल जो संविधान जो भारत का है, तो हमें लाइब्रेरी में अपनी जो है अपने स्टूडेंट्स और उनकी जो यूजर्स जो हैं उनकी जानकारी के लिए यहाँ पे रखी हुई है, जिसको कि पूरी उसके संरक्षण के साथ रखा हुआ है।
राजनीति शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उनकी विशेष रुचि इसमें रहती है, तो उनको बुला के हम इसके बारे में बताया जाता है ताकि वो देख सकें कि हमारा जो संविधान है वो किस तरह से उसकी जो हमने उसको व्यवस्थित किया हुआ है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे कॉलेज में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसकी प्रतिविधि रखी हुई है। हमने कभी उसको सुना सुना था पर कभी देखा नहीं, बट हम SD कॉलेज में आके अपने कॉलेज में ये देख भी पा रहे हैं। हमारे कॉलेज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रतिलिपि है, उसे देखने का मौका मिला है। जब से हम इस कॉलेज में आए हैं हमने संविधान की मूल प्रतिरूप को देखा है। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे और जहाँ तक कि हमें इतना नॉलेज नहीं है, बट कॉलेज में देखने के बाद हमें इसका अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हिसार के जाट महाविद्यालय के 100वीं वर्षगांठ व सेठ छाजू राम की 159वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस मौके पर CM ने संस्थान के 100 वर्ष पूरा होने व छाजू राम की जयंती पर बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक अभूतपूर्व कार्य किए हैं। प्रदेश की बेटियों के लिए 20 किलोमीटर की परिधि में कॉलेज खोले गए हैं। पिछले 10 वर्षों में राज्य में 32 राज्य के महाविद्यालय खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि 12वीं कक्षा में 90% अंक हासिल करने वाली छात्राओं के लिए मेधावी छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। प्रदेश में 2025 से ही पूरी तरह नई शिक्षा नीति लागू कर दी जाएगी। ये शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि हम नई शिक्षा के साथ साथ युवाओं के कौशल विकास पर भी ध्यान दे रहे हैं। भाजपा सरकार ने युवाओं को बिना खर्ची व पर्ची के रोजगार दिया है। आने वाले समय में भी प्रदेश के 2 लाख युवाओं को पक्की नौकरी देने का लक्ष्य हमने रखा है। कि जाट शिक्षण संस्था हिसार के 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस आयोजन में चौधरी छज्जू राम जी के 159वीं जयंती को मनाना सोने पर सुहागे का काम कर रही है। मैं इस अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं तो देता हूं। हरियाणा के अंदर पिछले 10 वर्षों में हमने 32 राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, जिससे हमारे हरियाणा के अंदर ये लगभग 182 महाविद्यालयों की संख्या हो गई है। हमारा लक्ष्य है कि हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा मिले, माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के विद्यार्थियों को विशेषज्ञता से युक्त शिक्षा मिले। इस दिशा में प्रदेश में उच्चतर शिक्षा परिषद का गठन ये किया गया है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि देश के दानवीरों में सेठ छाजू राम का नाम बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। जाट समाज राजनीतिक, सामाजिक व शैक्षणिक सोच के साथ प्रदेश को विकसित हरियाणा बनाने में मुख्यमंत्री का भरपूर सहयोग देगा। ऐसी सामाजिक और ऐसी एक शैक्षणिक सोच के साथ आपको आशीर्वाद भी देगी, आपका सहयोग भी देगी और आपके प्यार के साथ हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाने में आपका सहयोग करते हुए आपके साथ दिन रात कदम से कदम बढ़ाकर आपके साथ चलेगा। वहीं कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि मैंने भी इस महाविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है। आज यहां आकर पुराने दिनों को ताजा करने का अवसर मिला है। सेठ छाजू राम को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। उन्होंने सदैव शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया। मैंने भी यहां से शिक्षा ग्रहण की है और जब यहां आया तो बचपन के दिन फिर से याद आए। सेठ छाजू राम जी को नमन करता हूं जिन्होंने उस समय में जब शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत थी तब न केवल यहाँ बल्कि अनेक जगह पर शिक्षा के मंदिर खुलवाने का काम किया।
इसके बाद मुख्यमंत्री ने शहर में 79 करोड़ की लागत से बने सूर्य नगर RUB व ROB का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा, रणबीर गंगवा भी मौजूद रहे। इस पुल की लंबाई 1185 मीटर जबकि चौड़ाई 10.5 मीटर है। इस RUB व ROB से रोज हजारों वाहन गुजरेंगे। हरियाणा सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल की है। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों के लिए यूनिक अपार आईडी बनाई जा रही है जो उनकी शैक्षणिक पहचान को डिजिटल रूप में संगठित करेगी। इस कदम का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को पारदर्शी, संगठित और छात्रों की शैक्षणिक प्रगति की समीक्षा करना है। साथ ही अपार आईडी की मदद से छात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा और शिक्षा प्रणाली में आधुनिकता का समावेश होगा। फतेहाबाद के जाखंड दादी स्थित सरकारी मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल के प्राचार्य राम निवास ने बताया कि ये कदम छात्रों और शिक्षा दोनों के लिए क्रांतिकारी साबित होगा। अपार आईडी के माध्यम से हर छात्र का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा जिसमें उनकी पढ़ाई, परीक्षा परिणाम और अन्य गतिविधियों का डेटा रहेगा। इससे न केवल अभिभावकों को बच्चों की प्रगति का सही आंकलन मिलेगा बल्कि शिक्षक भी बच्चों के प्रदर्शन पर नजर रख सकेंगे। इसके अंदर बच्चे की एक आईडी बनेगी और उस आईडी में पूरा डाटा, जैसे अपना आधार कार्ड होता है, इस प्रकार से पूरा का पूरा डाटा उसके अंदर आ जाएगा। ये जो आईडी है वो पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी बच्चों की बनती है और प्रत्येक स्कूल में बनती है, पूरे हरियाणा में बनती है ये, चाहे वो प्राइवेट में पढ़ रहा है बच्चा, चाहे वो सरकारी में पढ़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि सारा का सारा डाटा उसके अंदर सरकार के पास सुरक्षित हो जाएगा कि बच्चा एक स्कूल से किसी दूसरे स्कूल में मान लो जाता है तो बार बार उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी, उसका अकाउंट नंबर, उसके सारे आधार नंबर, सब डाटा उसके अंदर सेव होगा सरकार के पास, ताकि बच्चों को जो भी सुविधा मिल रही है वो सारी की सारी सुविधा अच्छे तरीके से मिल सके, किसी प्रकार के पेरेंट्स को, अभिभावक को परेशानी ना हो। उसके अलावा इस आईडी से ये भी फायदा है कि बच्चे की कोई भी रिपोर्ट देखनी है किसी भी कक्षा की तो वो भी आसानी से इसमें देखी जा सकती है। अपने बच्चों की अपार आईडी बनवाने आए अभिभावकों ने कहा कि बच्चों की शिक्षा को लेकर सरकार इतने आधुनिक तरीके से सोच रही है। अपार आईडी से बच्चों के रिकॉर्ड हर जगह मान्य होंगे और हमें अलग अलग दस्तावेज संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उनके भविष्य के लिए बहुत मददगार साबित होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस पहल से बच्चों की शिक्षा में बड़ा बदलाव आएगा। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं दादी जाखड़, तो मुझे बुलाया है कि बच्चों का आधार कार्ड और मेरा आधार कार्ड, तो जब आईडी बनाई जा रही है कोई दिक्कत ना है, ये चीज़ें ऑनलाइन की जाए। इंद्रो मेरा नाम है, तो स्कूल में बुलाया गया, तो मेरे पोते पढ़ते हैं यहाँ इस स्कूल में, तो मम्मी का आधार कार्ड, बच्चे का खुद का आधार कार्ड ये मंगवाए, आईडी बनवा रहे हैं। और यही है, मतलब बार बार आना ना पड़े, कोई दिक्कत ना आए, तो ऑनलाइन इनका भी काम बन जाए बच्चों का, बार बार आना। पोती मेरी पढ़ती है, आधार कार्ड लेना है खुद का, आपका पोती का भी बुलाया गया, फायदा है, सारा डाटा ऑनलाइन बन जाएगा, कोई दिक्कत ना आए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकुला में गोल्फ कोर्स क्लब में GMI गोल्फ चैंपियनशिप प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने गोल्फ बॉल का शॉट लगाकर विजेता टीम का उत्साह भी बढ़ाया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों सहित 110 खिलाड़ियों ने भाग लिया। राज्यपाल ने कहा कि पंचकुला गोल्फ कोर्स की गौरवशाली विरासत को अद्वितीय गोल्फ प्रदर्शन के रूप में याद किया जाएगा। इन खेलों से आपसी सहयोग से गोल्फ खेल को बढ़ावा मिलेगा। ACE गोल्फ दिल्ली द्वारा आयोजित इस गोल्फ चैंपियनशिप प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कार दिए गए और कई सीनियर अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि युवाओं को खेलों में भाग लेना चाहिए, इससे न केवल अनुशासन और भाईचारे की भावना पैदा होती है बल्कि नशाखोरी जैसी सामाजिक बुराइयों से भी बचा जा सकता है। कल्याण ने करनाल के रामलीला दंगल ग्राउंड में आयोजित 74वें पंखा दंगल में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेल हमारी संस्कृति का प्रमुख हिस्सा है, खेलों से मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही अनुशासन और भाईचारे की भावना को भी बढ़ावा मिलता है।
कुश्ती और कबड्डी हमारे परंपरागत खेल हैं। हर्ष की बात है कि प्रदेश के पहलवानों ने विश्व स्तर पर हरियाणा का नाम रोशन किया है। उन्होंने दंगल के आयोजन के लिए दंगल कमेटी को बधाई दी। हरियाणा के पदक विजेता खिलाड़ियों को देश में सर्वाधिक नकद पुरस्कार राशि दी जा रही है। खिलाड़ियों के लिए श्रेणी 1 से 4 तक के पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। राई में हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। जो दंगल कमेटी है जो कि वर्षों से इस खेल को बढ़ावा लगातार दे रही है और एक मनोरंजन भी जो लोगों का होता है इन खेलों से, मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे पुराने खेल हैं, चाहे वो कुश्ती है, चाहे वो कबड्डी है, या इस प्रकार के जितने भी खेल हैं, उन सब का एक अपना स्थान है हमारे समाज के अंदर। और आज भी समाज के अंदर जब हम देखते हैं इस प्रकार के कोई दंगल या प्रतियोगिता होती है तो किस प्रकार से लोग भी बढ़ चढ़ कर उसके अंदर हिस्सा भी लेते हैं। और मैं पूरी कमेटी को बहुत बहुत बधाई दूंगा और क्षेत्र के लोगों को भी इस बात के लिए शुभकामनाएं दूंगा कि लोग अपनी पुरानी संस्कृति के साथ जुड़े हुए। वही खिलाड़ियों ने कहा कि कुश्ती के खेल में आगे बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं, हमें इसके लिए अनुशासन में रहना जरूरी है। वो अब तक कई राज्यों में कुश्ती खेलों में भाग लेकर पदक जीत चुके हैं। जी मेहनत कर रहे थे जिस तरह जी 6 सालों की कुश्ती करते, मैं जब शुरू में गया जी खाड़े में जी 50 किलो का था, उसकी पंजाबी माता सारे लड़े। भारतीय सेना के खड़गा कोर ने 24 और 25 नवंबर को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक एकीकृत फील्ड फायरिंग अभ्यास खड़गा शक्ति का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस व्यापक अभ्यास का उद्देश्य एक बनावटी युद्ध क्षेत्र वातावरण में संयुक्त सशस्त्र ऑपरेशन की प्रभावशीलता का परीक्षण और सत्यापन करना था। खड़गा कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर ने खड़गा शक्ति अभ्यास का निरीक्षण और समीक्षा की। उन्होंने समन्वित युद्ध अभ्यास और हमलावर हेलीकॉप्टरों, आर्टिलरी गन, बख्तरबंद और मशीनीकृत प्लेटफॉर्म और पैदल सेना के हथियारों सहित विभिन्न सैन्य संपत्तियों की एकीकृत फायरिंग का प्रदर्शन देखा। सैनिकों ने लाइव फायरिंग अभ्यास, युद्ध रणनीति और हवाई सहायता मशीनों के माध्यम से अपनी युद्ध तत्परता का प्रदर्शन किया, जिसमें स्वॉर्म ड्रोन, लाइटर एम्युनिशन सिस्टम, क्वाडकॉप्टर और लॉजिस्टिक ड्रोन जैसे अत्याधुनिक तकनीकें शामिल थी। खड़गा कोर के GOC पुष्कर ने सैनिकों से बातचीत भी की और उच्च स्तर की तत्परता और ऑपरेशन उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों की प्रतिबद्धता को उजागर किया। उन्होंने असाधारण पेशेवर क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए सैनिकों की सराहना की और पश्चिमी मोर्चे पर भविष्य के अभियानों के लिए निर्णायक बल बने रहने की खड़गा कोर की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। खड़गा शक्ति अभ्यास आधुनिक युद्ध तकनीकों पर भारतीय सेना के फोकस और युद्ध की तैयारी के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में ऊर्जा मंत्रालय और NTPC के मंडपों का दौरा किया। ऊर्जा मंत्रालय का मंडप भारत के ऊर्जा परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक व्यापक अनुभव प्रदान करता है, जो एक स्थायी और विकसित भविष्य की दिशा में राष्ट्र की प्रगति को रेखांकित करता है। NTPC का मंडप एक अभिनव पर्यावरण अनुकूल और किफायती आवास समाधान सुख इको हाउस का प्रदर्शन कर रहा है। इको हाउस अपने निर्माण में थर्मल पावर प्लांट से लगभग 80% राख और राख आधारित उत्पादों का उपयोग करता है। ये ग्रामीण आवास के लिए एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रदान करता है और स्थिरता और शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। मनोहर लाल ने कहा कि हर साल व्यापार मेले के दौरान बिजली विभाग लोगों को बिजली उत्पादन, वितरण और संरक्षण के बारे में शिक्षित करने के लिए एक स्टॉल लगाता है। व्यापार मेले में आने वाले लाखों लोग इस तरह के स्टॉल को देखने के बाद सूचित और प्रबुद्ध होकर कार्यक्रम स्थल से लौटेंगे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की याद में निकाली जा रही देश की पहली CNG बाइक यात्रा का कल रोहतक के IMT स्थित अमूल मिल्क प्लांट में पहुंचने पर स्वागत किया गया। इस यात्रा में 12 बाइक यात्री शामिल हैं। इस बाइक यात्रा की शुरुआत 20 नवंबर को जम्मू से हुई थी और 26 नवंबर को दिल्ली में समापन होगा।
स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करने का संदेश देने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड चलाया, जिसकी बदौलत भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनने में सक्षम हुआ। सहकारी संस्था अमूल की स्थापना भी डॉक्टर कुरियन की ओर से की गई थी। डॉक्टर कुरियन की जयंती 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाई जाती है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ही ये यात्रा निकाली जा रही है। जम्मू से दिल्ली तक के सफर के दौरान ये यात्रा 6 दिन में 783 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अमूल मिल्क प्लांट के HR मैनेजर देवेंद्र पूनिया ने स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करने पर जोर देते हुए कहा कि CNG के लिए किसानों से गाय का गोबर एकत्रित किया जाएगा। जरूरत है, इससे जो क्लीन जो मैसेज जाएगा, हम लोग जो किसान है उससे जो गोबर आता है काऊ का वो इकट्ठा करेंगे, उसको CNG में कन्वर्ट करेंगे और वो हमारी जो ये वर्ल्ड की जो पहली बाइक बनाई है बजाज ऑटो ने, उसमें ये फ्यूल। वहीं बाइक रैली में शामिल जम्मू के दानिश नजीर और गुजरात के नितिन ठाकरे ने रैली के जरिए सहकारिता के महत्व को समझाने पर जोर दिया। समाचारों में आज इतना ही, नमस्कार।